दोस्तों प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला माला को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी हम पिछले बहुत सारे हफ्तों से या महीनों से संपुष्ट परिवार के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं जिसमें ये बात मैंने याद दिलाई थी कि परिवार तब तक संपुष्ट नहीं होगा जब तक आप बच्चों को प्रभु का वचन क्रमबद्ध तरीके से ना सिखाएं, बच्चों को ना केवल प्रभु का वचन लेकिन भले और बुरे के बीच में जो अंतर है वो भी सिखाना जरूरी है और भले और बुरे के बीच में अंतर सिखाने के लिए प्रभु के वचन में कितनी सारी ऐतिहासिक कथाएं हैं सबसे पहली ऐतिहासिक कथा आदम और हवा की है उसके बाद काइन और हाबिल की ऐतिहासिक या चरित्र कथा है उसके बाद एक एक करके जब अपन आगे बढ़ते हैं तो नूह की चरित्र कथा है और नूह के बाद इब्राहिम है इसाक है याकूब है यूसुफ है और तमाम सारी चरित्र कथाएं हैं लेकिन मसीही समाज में हम लोग कुछ ऐसे नालायक हो गए हैं कि प्रभु के वचन की चरित्र कथाओं को ढंग से अपने बच्चों को सिखाने के बदले हम प्रभु के वचन से उल जलूल बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं इनमें से प्रभु ने मदद की तो कुछ उदाहरण में आगे आपको सुनाऊंगा इन दिनों हम आदम और हवा की चरित्र कथा के बारे में सुन रहे हैं और चार हफ्ते से ज्यादा हो गया आदम और हवा का जो की जो चरित्र कथा है वो समाप्त नहीं हुई है उसके पीछे कारण है परमेश्वर के वचन में जो चरित्र कथाएं हैं और उसके अलावा परमेश्वर के वचन में जो काल्पनिक कथाएं हैं इनकी व्याख्या अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है आप पूछेंगे प्रभु के वचन में काल्पनिक कथाएं हाँ हाँ दाऊद ने जब पाप किया तब नाथान भविष्यवक्ता ने दाऊद को एक काल्पनिक कहानी सुनाई थी प्रभु यीशु ने बहुत सारी काल्पनिक कहानियां दृष्टांतों के रूप में सुनाई थी जिसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी एक तो खोई हुई भेड़ का है और एक उड़ाऊ पुत्र का है लेकिन इसके अलावा और भी कई कहानियां सुनाई थी चाहे चरित्र कथा हो या काल्पनिक कथा हो इन सबको बच्चों को सिखाने का एक ढंग है एक तरीका है इसको समझ जाए इसलिए मैंने आदम और हवा की कथा को चार हफ्तों में कवर किया और अभी भी बचा हुआ है और जब ये हो जाएगा उसके बाद जब पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा इस पृष्ठभूमि को मन में रखकर आदम और हवा की चरित्र कथा किस तरह से अपने बच्चों को बताएं और वो भी अलग अलग उम्र के बच्चों को किस तरह से अलग अलग स्तर पर बताएं पिछले हफ्तों में मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि आदम और हवा को परमेश्वर ने हर तरह की सुविधा दी थी परमेश्वर स्वयं उनसे वार्तालाप के लिए हर दिन एक या अनेक बार आते थे ऐसा समय देखकर परमेश्वर आते थे जब धूप बहुत ज्यादा ना हो जिससे कि मनुष्य गर्मी से तड़प ना रहा हो ठंड बहुत अधिक ना हो जब शरीर आपका साथ दे रहा हो परमेश्वर के साथ संगति के लिए और ऐसे समय परमेश्वर वार्तालाप के लिए आते थे परमेश्वर ने सब कुछ दिया लेकिन हम देखते हैं कि भले कि जीवन के वृक्ष के फल को खाने के बदले स्त्री ने मृत्यु के वृक्ष का फल खाया और अपने पति को दिया पति दुनिया का अति बुद्धिमान व्यक्ति जिसने सब जानवरों को एक नजर में नाम दे दिया था उसने जब अपने पत्नी की हालत देखी तो परमेश्वर पर आश्रय रखकर परमेश्वर के पास दौड़ के जाके अपनी पत्नी के लिए एक हल मांगने या हल की याचना करने के बदले मनुष्य ने वही रास्ता चुना जो स्त्री ने चुना था ये सब हमने देखा पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि आज संसार में सिर्फ दो ही रास्ते हैं जीवन का रास्ता या मृत्यु का रास्ता इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है जब प्रभु यीशु ने कहा था कि एक चौड़ा रास्ता है और एक संकरा रास्ता है तो प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि कुछ गलियां भी हैं नहीं है सिर्फ दो ही रास्ते हैं या तो चौड़ा रास्ता जो मृत्यु की ओर ले जाता है या सक्रा रास्ता जो जीवन की ओर ले जाता है पिछली शताब्दी तक बीसवीं शताब्दी तक जो पाप से भरा हुआ रास्ता था उसको इवन इस संसार के लोग पहचानते थे और बुरे को बुरा कहते थे भले ही वे बुरा करते हों वो बात अलग है लेकिन बुरे को बुरा कहते भी थे लेकिन 21वीं शताब्दी की विशेषता यह है कि 21वीं शताब्दी में अब बुरे को भला कहा जाता है और बुले, बुरे को इतने चालाकी से भला कहा जाता है कि हम लोग उसको समझ नहीं पाते बुद्धिहीनता के कारण नहीं परमेश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है और याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि यदि किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से याचना करे और परमेश्वर बुद्धि देंगे तो बुद्धिहीनता के कारण नहीं है बल्कि परमेश्वर ने बुद्धि दी है इसके बावजूद हम मूर्खता की ओर जाना पसंद करते हैं इस कारण ऐसा हो रहा है इस बात को अच्छी तरह से समझ लें अब एक चीज और जो हमको समझना है वो ये है कि 21वीं शताब्दी में भले और बुरे को पहचाना जा सकता है लेकिन 21वीं शताब्दी में मनुष्य जो भ्रष्ट हो गया है मनुष्य का सोचना जो भ्रष्ट हो गया है वो उसके मैक्सिमम पर आ चुका है और इस कारण पिछली शताब्दी तक जो बुरा समझा जाता था आज उसको अच्छा बोला जाने लगा है और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ये माध्यम बुरे को अच्छा कह के जम के प्रचार कर रहे हैं और मसीही लोगों की ये अफसोस की बात है कि मसीही लोगों में बुद्धि का ज्ञान का इतना अभाव है वे लोग प्रभु से नहीं मांगते हैं इस कारण इतना अभाव है कि दुनिया जब बुरे को अच्छा कहकर हमारे सामने पेश करती है तो ये अच्छा नहीं बुरा है इसको समझने के बदले हम विश्वासी लोग उसके पीछे निकल पड़ते हैं और बुराई में पूरी तरह से रम जाते हैं और मैं याद दिलाना चाहता हूं भाइयों बहनों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक बहुत ज्यादा बुरे को अच्छा कहकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और हम लोग इतने मूर्ख और महामूर्ख हैं कि हमारे बच्चे जिनको भले और बुरे की समझ नहीं है उनको भले और बुरे की समझ देने के बदले उनको इस गंदगी में धकेल रहे हैं यहाँ जो सीनियर माँ बाप है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मैं और आप जब बच्चे थे मैं सीनियर्स से पूछ रहा हूं मैं और आप जब बच्चे थे तब बच्चों को जो सबसे बड़ा खिलौना दिया जाता था वो क्या था झुंझुना जुन झुंझुना जुन अंग्रेजी में रैटलर वो बच्चे के हाथ में दे दो यू हिलाओ तो आवाज करता है और बच्चे का ध्यान एकदम से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है मुझे आज भी याद है मुझे जब पहला झुंझुना जुन किसी चाचा जान ने प्रेजेंट किया था मैं शायद तीन साल का होऊंगा लेकिन आज तक मैं नहीं भूल पाया हूं उस झुंझुने जुन को 21वीं शताब्दी में मैं जरा ऑफ कर दूं इक्कीसवी शताब्दी में मां बाप ने एक आधुनिक झुंझुना जुन बच्चों के हाथ में देना शुरू कर दिया है जो झुंझुना जुन नहीं है जो डसने वाला नाग है जो डसने वाला सर्प है जो आपके बच्चे को खा जाता है और आपको तब पता चलता है जब बच्चे की मौत हो जाती है और वो झुंझुना है स्मार्टफोन ऐसे सैकड़ों माँ बाप हैं ब्रदर कम्युनिटी में जो दो या तीन साल की उम्र में मोबाइल बच्चे को दे देते हैं बच्चे तो जिसमें लाइट फ्लैश होता है जिसमें चित्र आते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं लेकिन माँ बाप इतने मूर्ख हैं कि वे ये नहीं जानते कि बच्चे के हाथ में जहर नहीं देना है और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेस करो तो क्या क्या आ जाता है और मैं ऐसे कई बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूं जिन्होंने छोटी उम्र में अपने माँ बाप के मोबाइल फोन पर खेलकर माँ बाप जो आपत्तिजनक सामग्री मोबाइल पर देखा करते हैं जो एक विश्वासी के लिए उचित नहीं है लेकिन देखा करते हैं बच्चों ने मोबाइल में उन्हीं प्रोग्राम्स को देख लिया और देखने के द्वारा उनका आत्मिक जीवन उनका सांसारिक जीवन और इवन उनकी जो नैतिक इच्छाएं हैं वो बर्बाद हो गई इस तरह के कई बच्चों की मैंने काउंसलिंग की है कोई भी अकलमंद आदमी जिंदा सांप अपने बच्चे के हाथ में नहीं देगा लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि दो दो तीन तीन साल की उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं जो एक आधुनिक झुंझुना जुन हो गया है और ये मोबाइल हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं और इसका परिणाम कितना भयानक है ये पिछले दिनों सर्वे से पता चला पिछले दिनों भारतीय मोबाइल यूजर्स के बीच में एक अनुसंधान हुआ था जिस अनुसंधान से पता चला है कि एक औसत भारतीय एक दिन में पांच घंटा मोबाइल पर बिताता है औसत से मेरा मतलब है जिनके पास समय ज्यादा होता है वे लोग पांच से ज्यादा घंटे लगाते हैं और जिनके पास समय की कमी है वे लोग उससे कम समय बिताते हैं लेकिन सबका औसत पांच घंटे बैठता है जरा सोचें पांच घंटा आप अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं वो कितने घंटे मोबाइल देखता है और उस मोबाइल पर कितनी सारी मलेच बातें वो देखता है आप कहेंगे नहीं ब्रदर मेरे मोबाइल पे कुछ नहीं है शायद हम इतने मूर्ख हो गए हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है कि बस चार स्टेप की मदद से आपका बच्चा संसार की मलेच से मलेच बातें आपके मोबाइल पर देख सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा पिछले दिनों जो लेटेस्ट केस मेरे पास आया है वो मैं जरा बताऊं एक प्रचारक जिनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे डायरेक्टली बुलाने के लिए इस कारण उन्होंने मेरे सहकर्मी को बुलाया और मेरे सहकर्मी से कहलवाया मेरा बेटा इंजीनियरिंग में पढ़ता है लेकिन जब वो टेंथ में पढ़ता था तब से उसको मोबाइल की आदत लग गई है और एक दिन में चार चार पांच पांच घंटे वो मोबाइल पर तब बिताता था और अब तो चौबीसों घंटे वो मोबाइल पे बिताता है ना तो पढ़ता है ना लिखता है ना किसी से बात करता है ना किसी से बात करने में रुचि है और खाने पे भी नहीं आता है बस अपना खाना उठा के कमरे में ले जाता है वहीं बैठ के खाता है साथ में मोबाइल देखता चला जाता है फैमिली प्रेयर में नहीं आता है आता भी है तो आधे अधूरे मन के साथ आता है और बार बार कहता है कि जल्दी करो जल्दी करो पापा जल्दी करो मम्मी जल्दी करो मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन वो अपने कमरे में जाके फिर से मोबाइल पर पिल पड़ता है मैं एक बात बताना चाहता हूं पुराने नियम का समय होता तो ऐसे बाप को पहले अदालत में लाया गया होता और बाप को हंटर मारा गया होता यहूदियों को परमेश्वर ने जो नियम दिए थे वो बहुत कड़े थे उन कड़े नियमों का प्रभु की जनता ने पालन नहीं किए ये बात अलग है लेकिन नियम थे वो लड़का बर्बाद हो गया है उसके लिए उसका बाप और उसकी मई जिम्मेदार है लड़का नहीं है क्यों इसलिए कि दसवीं क्लास में उसके हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा दिया कई माए कहती अरे बेटा घर से बाहर जाता है मुझे डर लगता है मैं उन माओ से कहना चाहता हूं तुम्हारे माँ बाप ने भी तो तुमको पाला था उन्होंने भी तो बच्चे पाले थे बिना मोबाइल के पाला था उन्होंने उनको डर नहीं लगता था क्या ये सब बेहुदा बातें हैं दसवें दसवीं में जब था तब उसको मोबाइल दे दिया मोबाइल को चार्ज कौन करवाता है बाप या माँ चुपके चुपके चार्ज कर देती है या चार्ज करने के लिए पैसा दे देती है तो दसवीं से उस लड़के के मैयो बाप उसको बिगाड़ रहे हैं और अब वो बी में आ गया है तो प्रचारक को बुला रहे हैं कि एक काम कीजिए पांच मिनट में जरा हमारे लौंडे को चंगा कर दीजिए ऐसा ही हुआ मेरे साथ उन्होंने मेरे जो सहकर्मी है उनसे कहा कि डॉक्टर जॉनसन से कहना कि हमारे लौंडे को जरा बुला ले शर्त शर्त यह है उसको ये कानो कान खबर ना हो कि उसके बाप ने आपको बुलाया है पहली बात पहली शर्त दूसरी शर्त उसको कानो कान खबर ना हो कि उस लौंडे के बाप ने आपको बताया है कि उसको समस्या है तीसरी बात उसको कानो कान खबर ना हो कि उसकी समस्या के बारे में आपको मालूम है और जरा उससे बात करके उसको चंगा कर दीजिए आप किसी मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं आप किसी गैर व्यक्ति से कह देते हैं क्या कि इसको जरा डॉक्टर के पास ले जाना और डॉक्टर को बीमारी वगैरह मत बताना डॉक्टर जरा अपने आप समझ ले हम लोग इतने मूर्ख हो गए हैं इतने मूर्ख हो गए हैं कि जिस लड़के को उन्होंने दस साल में बर्बाद किया उस लड़के को वो चाहते हैं कि मैं पांच मिनट में चंगा कर दूं और वो भी बिना बताए कि बेटा तुझे बीमारी है इन सब का कारण यह है कि मैंने और आपने या हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में वो औजार दे दिया है जो उनको मृत्यु की ओर ले जाता है बच्चे को 24 घंटे मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है लोग कहते हैं कि उसको आ, जो है स्कूल का होमवर्क वगैरह करना है देखिए मैं अध्यापक हूं मैंने भी बच्चे पाले हैं मेरे बच्चों ने भी होमवर्क किए हैं और मेरे अगल बगल में मेरे तमाम सारे भाई बंद हैं जिनके बच्चे हैं और मुझे मालूम है कि कितना उनको करना पड़ता है ये सब सिर्फ एक बहाना है सिर्फ एक बहाना है हमको हम चाहते हैं कि हमें बच्चों के साथ सर ना खपाना पड़े और इसलिए बच्चों के साथ खर सर ना खपाना पड़े इसलिए उनके हाथ में झुनझुना आधुनिक झुनझुना पकड़ा दिया हम अपने रास्ते वो अपने रास्ते और जब वो बर्बाद हो जाता है तो प्रचारक तो बैठे हैं उनको चंगा दे चंगाई देने के लिए नहीं ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी चंगाई पांच मिनट में हो सकती है इस बात को सभी लोग अच्छी तरह से समझ लें और इस बात को समझ लें कि पिछली शताब्दी तक बुरे को बुरा कहा जाता था भले को भला कहा जाता था इस इक्कीसवीं शताब्दी में भले को बुरा कहा जाता है और बुरे को भले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और चूंकि बुरे को भले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इस कारण ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को साफ साफ बताएं कि बेटा जीवन का मार्ग चुनना ये जो भले के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ये जीवन का मार्ग नहीं मृत्यु का मार्ग है इसका परिणाम भी मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दूं। बच्चों के हाथ में आप झुंझुना जुन पकड़ा देते हैं फल क्या होता है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जो समय बिताना चाहिए मोबाइल उस टाइम को चोरी कर लेता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जो समय बिताना चाहिए मोबाइल उसको चोरी कर लेता है परिवार के साथ जो समय बिताना चाहिए मोबाइल उसको चोरी कर लेता है आत्मिक जीवन को पोषित करने के लिए जो समय चाहिए मोबाइल उसको चोरी कर लेता है तो आज मैं आपको जो बात बताना चाहता था वो यह है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों आदम और हवा के सामने जीवन का मार्ग था मृत्यु का मार्ग था उन्होंने मृत्यु का मार्ग चुना मेरे और आपके सामने इसी तरह से जीवन का मार्ग है मृत्यु का मार्ग है हम लोग जीवन के मार्ग के बदले मृत्यु का मार्ग चुनते हैं और अपने बच्चों की भी हत्या कर रहे हैं उनकी आत्मिक हत्या कर रहे हैं उनके हाथ में ये आधुनिक झुंझुना जुन या इस तरह की चीजें पकड़ा के आदम और हवा की जो चरित्र कथा है उसके आधार पर इतनी बातें बताने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को आदम और हवा की चरित्र कथा किस तरह से सुना है अपने बच्चों को बुलाइए बैठाइए उम्र के हिसाब से उनको बताइए कि बेटा बाइबल में बहुत सारी चरित्र कथाएं दी हुई हैं जिनमें सबसे पहली चरित्र कथा है परमेश्वर ने इस विश्व की सृष्टि की उसके बाद इस तरीके से कुछ उनके सामने परमेश्वर के छह दिन की सृष्टि को रखिए कि बच्चा आश्चर्यचकित रह जाए वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि कुछ तो आपको भी करना होगा अपने बच्चों के लिए इसलिए मैं एक उदाहरण चुनकर आपके सामने रख रहा हूं उसके बाद कहना बेटा दूसरी जो चरित्र कथा है वो हमारे दादा दादा दादाजी के दादा जो थे आदम और हवा उनकी चरित्र कथा है जो मैं तुमको बताना चाहता हूं और बेटा उनको उसके बाद पूरी कहानी सुनाइए आदम और हवा की इस कहानी को सुनाते समय विषय को हल्के से ना लें बड़ी गंभीरता से बच्चों के सामने ये कहानी रखें उसके बाद आदम और हवा की कहानी चरित्र कथा उनके सामने रखने के बाद बच्चों को बताइए बेटा जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब पहले अध्याय से हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और कहा कि अच्छा है जिस सृष्टा ने इस पूरे विश्व की रचना की यदि उन्होंने किसी बात के बारे में कहा कि अच्छा है तो बेटा वो तो सर्वोत्तम होगा है ना बेटा बेटी कहेंगे हाँ डैडी हा मम्मी बिल्कुल होगा उसके बाद बच्चे को बताए कि देखो बेटा यहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हवा की सृष्टि की इसका क्या मतलब है बेटा उसका मतलब यह है कि परमेश्वर जिस तरह से भले और बुरे का अंतर जानते हैं और हमेशा भला ही भला चुनते हैं तो इस तरह से भला चुनने की कैपेसिटी के साथ मनुष्य को बनाया परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दूसरे से संगति रखते हैं उसी तरह से हम मनुष्यों को बेटा परमेश्वर ने इस तरह से बनाया कि हम एक दूसरे के साथ संगति रख सके एक दूसरे के साथ आनंद कर सके उसके बाद बेटे को बताइए कि और बेटा परमेश्वर ने एक काम और किया एकदम से परफेक्ट एक बगिया में उनको रखा खेती की जरूरत नहीं थी जमीन खोदने की जरूरत नहीं थी घर के काम के लिए जानवर पालने की जरूरत नहीं थी उस बगिया में परमेश्वर ने हजारों प्रकार के फल रखे बाइबल से पढ़कर सुनाइए कि वे फल खाने में मन भावने थे देखने में आकर्षक थे सब बाइबल में लिखा है तो बेटा एक से एक आकर्षक फल परमेश्वर ने बगिया में रखे मनुष्य को जीने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी सुबह उठो परमेश्वर के साथ संगति करो जब भूख लगे जितना चाहे जो मन चाहे वो फल खाओ और शाम को फिर से परमेश्वर के साथ संगति करो इतनी अद्भुत बात है है ना बेटा परमेश्वर ने कितने अद्भुत कार्य आदम और हवा के लिए किया अच्छा एक बात बताओ यदि तुम इस तरह के एक बगिया में होते तो तुम अच्छा ही अच्छा करते या मन में बुरी बातें भी सोचते बच्चों को बीच बीच में पूछते चले एक निर्णय लेने के लिए बीच बीच में इस तरह के प्रश्न ड्रॉप करते रहिए जहां बच्चे को बार बार ये बताया जाता है कि हमको सही निर्णय लेना चाहिए हमको अच्छा निर्णय लेना चाहिए हमको पवित्र बातों के लिए निर्णय लेना चाहिए तो पूछिए कि बेटा यदि उस बगिया में होते तुम क्या करते कौन सा फल खाते और परमेश्वर संगति के लिए आते थे खुश होते या नहीं होते इस तरह से उसके बाद बच्चे को बताइए अच्छा बेटा परमेश्वर ने एक काम और किया बगिया के बीचों बीच एक विशेष पेड़ परमेश्वर ने लगाया जिसका नाम था जीवन का वृक्ष अद्भुत वृक्ष था बेटा उसका फल यदि मनुष्य एक बार खा ले तो सदा सर्वता जीवित रहता स्वस्थ रहता उसको किसी तरह की बीमारी नहीं होती अच्छा एक बात बताओ बेटा तुम कभी बीमार हुए हो हु क्या तुमको कभी दर्द हुआ है क्या उसके बाद बच्चे को याद दिलाई याद है पिछले महीने तुमको दांत में कैसा दर्द हुआ था याद है पेट में कैसा दर्द हुआ था कैसे उल्टी की थी याद है सब कुछ उसके बाद उस बच्चे को बताया कि देखो बेटा एक ऐसे जीवन के बारे में सोचो जहां ना पेट में दर्द है ना दांत में दर्द है ना किसी तरह की बीमारी है ना खांसी है पूछिए बच्चे से बेटा ऐसा जीवन पाना पसंद करोगे क्या आपका बच्चा तुरंत कहेगा कि हाँ मम्मी हाँ डैडी पसंद करेंगे बच्चों में से कई लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं अस्पताल जाने से डरते हैं उनसे पूछिए कि बेटा यदि अस्पताल में कभी ना जाना पड़े यदि डॉक्टर के पास कभी ना जाना पड़े तुम पसंद करोगे क्या निश्चित रूप से आपका बच्चा कहेगा कि पसंद करेंगे उसके बाद बताए बेटा बगिया के बीचों बीच पद्मेश्वर ने ये जो जीवन का वृक्ष रखा था इसको खाने के बाद कभी भी सर दर्द नहीं होता कभी पेट दर्द नहीं होता कभी खांसी नहीं होती कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता कभी अस्पताल के पास अस्पताल न जाना पड़ता बताओ बेटा यदि ये फल खाने को तुमको मिल जाए तो तुम खाओगे या उसका तिरस्कार करोगे बच्चा कहेगा मम्मी डैडी मैं तो जरूर उस फल को खाऊंगा मैं तो जीवन के वृक्ष को ही खाऊंगा जीवन के मार्ग को उसके बाद बच्चे को बताइए कि बेटा उसी बगीचे में परमेश्वर ने एक और वृक्ष रखा था जो मृत्यु का वृक्ष था तुम तो हो सकता है कोई बच्चे पूछे कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया उनको बताइए कि बेटा परमेश्वर चाहते हैं कि हम मशीन ना हो आप सबके घर में मोबाइल भी होगा कंप्यूटर भी होगा और इसलिए बच्चे को बताइए देखो बेटा मशीन जब चाहे उसका मालिक ऑन ऑफ कर सकता है परमेश्वर ने मनुष्य को मशीन के रूप में नहीं बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है मनुष्य को बुद्धि दी है एक बात बताओ बेटा तुम जानते हो मोबाइल पर मैं यात्रा के लिए टिकट बुक कर लेता हूं लेकिन मेरी जगह पर स्टेशन जाकर वो मोबाइल टिकट बुक कर सकता है क्या नहीं मशीन तो मशीन है बेटा साइकिल से कहो कि आ, सुबह जो है ये मेरा बस्ता और टिफिन वगैरह लेके मेरे स्कूल चले जाओ साइकिल स्कूल पहुंचा के वापस आएगा क्या नहीं मशीन मशीन है उसके पास स्वयं सोचने की शक्ति नहीं होती है तो बेटा परमेश्वर ने हमको मशीन नहीं बनाया है अच्छा एक बात बताओ डैडी मम्मी तुमसे प्रेम करते हैं क्या या उससे भी ज्यादा अच्छा प्रश्न है अच्छा एक बात बताओ तुम डैडी मम्मी से प्रेम करते हो क्या तो बच्चे कहेंगे हाँ करते हैं करते हैं एक बात बताओ कोई मशीन डैडी मम्मी से प्रेम करते हैं क्या बच्चे समझ जाएंगे मशीन तो उपयोग के काम आता है प्रेम नहीं करता तो उसके बाद तो बच्चा यदि पूछे कि क्यों ये भले और बुरे का वृक्ष रखा या मृत्यु का वृक्ष रखा तो उनको बताइए कि परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य अपने स्वयं की बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करे इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक मशीन नहीं बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को एक व्यक्ति बनाया जो सोच सकता है समझ सकता है पहचान सकता है और परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपनी सोच और समझ और पहचान के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करें अच्छा एक बात बताओ हर बात पे बच्चे को टोकी और उससे पूछिए अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे सामने भी तो चॉइस है मम्मी डैडी से घिन कर सकते हो करोगे क्या मम्मी डैडी को लात मार के तुम जो है घर छोड़ के जा सकते करोगे क्या इस तरह से बच्चे से लगातार पूछते चले जाइए इन प्रश्नों को अंग्रेजी में लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है लीडिंग क्वेश्चन मतलब अगुवाई करने वाले प्रश्न इनको हिंदी में अगुवाई परख अगुवाई परक प्रश्न कहा जाता है जो बच्चों की अगुवाई करते हैं हमें हर बात पर बच्चों से बच्चों के सामने अगुवाई परख प्रश्न रखने चाहिए अच्छा एक बात बताओ तुम डैडी मम्मी से घिन करोगे क्या तुम डैडी मम्मी से नाराज हो क्या तुम ऐसा काम करोगे क्या जो डैडी मम्मी को पसंद नहीं बार बार उनसे बुलवाइए उनको कहने का मौका दीजिए कि नहीं नहीं डैडी हम तो सही करेंगे हम गलत चुनाव नहीं करेंगे उसके बाद उनको बताइए कि बेटा इसी तरह से परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य एक यंत्र नहीं मनुष्य एक व्यक्ति हो जो कि अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करे जो अच्छा चुने जो भला चुने जो गलत को देखकर गलत है यह समझकर उससे दूर हट जाए उसके बाद बच्चे को बताइए बेटा परमेश्वर रोज उनके पास आते थे संगति के लिए अच्छा एक बात बताओ कि परमेश्वर जब मनुष्य से बोलते थे तो बुद्धि से भरी हुई बातें बोलते थे समझ देने वाली बातें बोलते थे या उल्टा सीधा इधर उधर की बेकार की बातें बोलते थे आपके बच्चे कहेंगे मम्मी डैडी परमेश्वर तो परमेश्वर है वो तो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे बुद्धि देने वाली बातें हर हर स्टेटमेंट पर रुक कर अगुआ देने वाले प्रश्न पूछे अगुवाई परक प्रश्न पूछे जिससे कि आपके बच्चे के मन में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि आदम और हवा की जो चरित्र कथा है उसमें उन लोगों ने जो गलत निर्णय लिया था वैसा मुझे अपने जीवन में नहीं लेना है और इसके लिए बार बार एक एक स्टेटमेंट बताने के बाद उनसे पूछे बेटा तुम होते तो क्या करते तुम होते तो क्या करते ये थोड़ा सा बच्चे को सही दिशा में अगुवाई करने के लिए यह बहुत जरूरी है तुम होते तो क्या करते तुम होते तो क्या करते आज जो बच्चे प्रभु का संदेश सुन रहे हैं मैं उन सब बच्चों से पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय बेटा मेरी प्रिय बेटी यदि तुम होते तो क्या करते मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम यदि होते तो तुमने सिर्फ भला चुना होता तुमने गलत को गलत कहा होता मुझे मालूम है तो जरा ध्यान से सुनते जाओ उसके बाद उन बच्चों को याद याद दिलाइए कि आदन की वाटिका में उनको जो कुछ चाहिए था सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया था फाइनली बच्चों को बताइए कि परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था उसके बाद उनको जीवन का वृक्ष चुनना चाहिए था या मृत्यु का वृक्ष चुनना चाहिए था आप मत बोलिए बच्चे को बोलने दीजिए और आज जो बच्चे प्रभु का संदेश सुन रहे उन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय बेटा बेटी सच बताओ सोच के बताओ आदम और हवा को जीवन का वृक्ष चुनना चाहिए था या मृत्यु का वृक्ष चुनना चाहिए था सब बच्चे कहेंगे कि उनको जीवन का वृक्ष चुनना चाहिए था उसके बाद बच्चे से पूछिए और आज जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं मेरे प्रिय बेटा मेरी प्रिय बेटी उनको जीवन का वृक्ष चुनना चाहिए था उन्होंने किस किस वृक्ष को सुना चुना चरित्र कथा तो मैंने तुमको सुना दी है आदम और हवा ने किस वृक्ष को चुना उन्होंने मृत्यु के वृक्ष को चुना जीवन के वृक्ष को चुनने के बदले उन्होंने मृत्यु के वृक्ष को चुना अच्छा किया क्या मेरे प्रिय बच्चों अब मैं जरा बच्चों से बोलने जा रहा हूं बड़े लोग उसमें से जो पाठ लेना है उसको समझ लें। मेरे प्रिय बच्चों उन्होंने जीवन के वृक्ष को चुना या मृत्यु के वृक्ष को चुना मृत्यु के वृक्ष को अच्छा एक बात बताओ यदि उनकी जगह तुम होते तो तुम्हारे जीवन में तुम जीवन के वृक्ष को चुनते या मृत्यु के वृक्ष को चुनते मैं अब बच्चों से बात कर रहा हूं बड़े लोग इसको देखकर समझ ले कि कैसे चरित्र कथाएं सुनानी है बताओ बेटा तुम होते तो जीवन के वृक्ष को चुनते या मृत्यु के वृक्ष को चुनते आज जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वे सभी जवाब देंगे अंकल जी शास्त्री अंकल जी हम तो जीवन के वृक्ष को ही चुनेंगे अच्छा बेटा मुझे खुशी है लेकिन एक बात बताओ कल परसों तुमने अपने भाई से मारपीट की थी अपनी बहन से मारपीट की थी उस समय तुमने जीवन का वृक्ष चुना था या मृत्यु का वृक्ष चुना था सही रास्ता चुना था या गलत रास्ता चुना था बताओ बच्चों यदि तुम कहते हो कि अंकल शास्त्री अंकल मैं तो सिर्फ जीवन का वृक्ष चुनूंगा तो यह बताओ कि तुम में से कौन है कितने ही लोग हैं जो अपने भाई बहन से झगड़ा करते हैं वो जीवन का वृक्ष है क्या जीवन का वृक्ष हमको झगड़े की ओर मारपीट की ओर ले जाता है क्या काइन और हाबेल की चरित्र कथा हम जानते हैं काइन ने जीवन का मृत्यु जीवन का वृक्ष चुना था क्या जीवन का मार्ग चुना था क्या नहीं उसने हत्या का मार्ग चुना तो मेरे प्रिय बच्चों आदम और हवा की जो चरित्र कथा है वो हमको यह बात याद दिलाती है कि हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है कोई गली नहीं है जिसके द्वारा आप शॉर्टकट मार जाए और मेरे प्रिय बच्चों जीवन में हम जो भी चुनाव करते हैं वो या तो जीवन के लिए करते हैं या विनाश के लिए करते हैं तुम कौन सा रास्ता चुनोगे जरा बताओ शास्त्रीय अंकल को जरा बताओ कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे मुझे मालूम है यहां जितने बच्चे बैठे हैं सुन रहे सब कहेंगे शास्त्रीय अंकल हम तो जीवन का रास्ता चुनेंगे अच्छा तो पहला प्रश्न तो मैंने पूछ लिया उस दिन तुमने झगड़ा किया था ना अपने भाई बहन से भाई से या बहन से वो जीवन का रास्ता था या विनाश का रास्ता था विनाश का तो मुझसे तो कह रहे हो कि हम जीवन का रास्ता चुनेंगे लेकिन मुझे मालूम है तुमने अपने जीवन में विनाश का रास्ता चुना था आगे ऐसा करोगे क्या मुझे मालूम है बच्चों तुम जवाब दोगे आगे ऐसा नहीं करेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है इसका ख्याल रखना एक बात और मैं पूछना चाहता हूं बच्चों तुम में से कितने बच्चे हैं जिनसे मां बाप कह कह के कह कह के थक जाते हैं पढ़ ले पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान मोबाइल की तरफ टीवी की तरफ खेल कूद की तरफ अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ के बातचीत करने की तरफ जाता है जाता है या नहीं जाता है सच सच पोल शास्त्री अंकल को सब मालूम है उसके कारण उसके पीछे कारण है मैंने भी दो बच्चे पाले हैं मैं भी चार और भाई बहनों के बीच पला हूं हम पांच बच्चे थे उसके अलावा शास्त्री अंकल जो है पहला काम एम करने के बाद जो पहला काम किया था स्कूल टीचर का काम किया था तीन साल मैंने एक स्कूल में नौकरी की वो भी चंबल इलाके में इसलिए मुझे मालूम है मैं जो पूछने जा रहा हूं और वो ये है एक बात बताओ तुम्हारी उम्र में पढ़ाई करना जीवन का रास्ता है या पढ़ाई की उपेक्षा करना जीवन का रास्ता है सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे कि शास्त्री अंकल पढ़ाई करना जीवन का रास्ता है और पढ़ाई की उपेक्षा करना तो मृत्यु का रास्ता है और जब ऐसा जवाब देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तुमसे पूछना चाहता हूं अक्सर पढ़ाई लिखाई के मामले में तुम जीवन का रास्ता चुनते हो या विनाश का रास्ता चुनते हो मेरे बच्चों जब मैं तुमको आदम और हवा की चरित्र कथा सुनाता हूं या मैंने सुनाया तब तो तुम बड़े उचक उचक कर कह रहे थे कि अंकल मैं होता तो जीवन के वृक्ष का फल खाता मैं होता तो जीवन के वृक्ष का फल खाता मैं मृत्यु के वृक्ष को हाथ नहीं लगाता लेकिन मेरे प्रिय बच्चों तुम्हारे खुद के जीवन में जो जीवन का रास्ता है जीवन का वृक्ष जीवन के रास्ते को भी दिखाता है मृत्यु का वृक्ष मृत्यु के लिए जो चुनाव करते हैं उसको भी दिखाता है और मेरे प्रिय बच्चों हम में से कितने हैं जो आदम और हवा के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं शास्त्री अंकल मैं तो जीवन का रास्ता ही चुनता आदम और हवा तो थे जो उन्होंने मृत्यु का रास्ता चुना लेकिन बेटा बेटी तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो मम्मी डैडी बोल के थक जाते हैं तुम पढ़ाई नहीं करते तुम लापरवाही करते हो तो ये मृत्यु का रास्ता ही तो चुन रहे हो इवन दुनिया जानती है कि पढ़ाई लिखाई जीवन का रास्ता है वो कहावत तुमने सुनी है क्या पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार ये मैंने नहीं कहा है ये बाइबल का वचन नहीं है यह दुनिया का वचन है इवन दुनिया जानती है कि जब पढ़ने लिखने की उम्र होती है तब पढ़ोगे लिखोगे तो जीवन का रास्ता वो जीवन का रास्ता खोल देगा पढ़ने लिखने का जो समय है उस समय की उपेक्षा करके उस समय खेलोगे कूदोगे और अब बीसवीं शता इक्कीसवीं शताब्दी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं खेलोगे कूदोगे स्क्रीन पर देखते रहोगे बनोगे गवार और इसलिए मेरे प्रिय बच्चों आदम और हवा के बारे में जब हम सुनते हैं तब एकदम से उचक कर यह कहना बड़ा आसान है कि अंकल जी वे तो मूर्ख थे कि जीवन का वृक्ष होते हुए भी जानते हुए भी और परमेश्वर से संगति होते हुए भी और परमेश्वर से बुद्धि की बातें सुनने के बावजूद उन्होंने जीवन के वृक्ष को हाथ नहीं लगाया उन्होंने मृत्यु के वृक्ष का फल खा लिया लेकिन बच्चों मैं तुमसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं इक्कीसवीं शताब्दी के बच्चे बीसवीं शताब्दी के बच्चों से अधिक बुद्धिमान है मैं जब तुम लोगों की उम्र का था तब निरा मूर्ख था मुझे तो चालीस साल के बाद अकल आनी शुरू हुई सच कह रहा हूं मेरी पीढ़ी में बहुत सारे लोग जो है चालीस के बाद उनको अकल आती थी मैं उन लोगों में हूं जो निरा मूर्ख था चालीस के बाद मेरे ज्ञान चक्षु खुले और भले बुरे का अंतर धीरे धीरे मालूम होना होने लगा लेकिन बच्चों 21वीं शताब्दी के बच्चे हम 20वीं शताब्दी के बच्चों की तुलना में बहुत आगे हैं और इसलिए तुम्हारे पास ये जानकारी है कि तुमको जो कुछ करना है पढ़ाई करनी है गलत बातों से दूर रहना है गलत संगति से दूर रहना है गलत लोगों से दूर रहना है वो जीवन का मार्ग है और तुम क्या करते हो पढ़ाई लिखाई में लापरवाही करते हो उल्टी सीधी संगति ढूंढ लेते हो जो चार वाक्य में दस गालियां देता है उसके साथ समय बिताते और तुम्हारा दिमाग खराब होता है कचरा जिस तरह से कचरे की टोकरी में डाला जाता है उसी तरह से तुम्हारे दिमाग में ये सब कचरा जा रहा है और फिर जब पढ़ाई लिखाई का समय आता है तब तुम जो है या तो गाने सुनते हो या मोबाइल पर जो है वीडियो गेम खेलते हो या वो करते हो ये करते हो इसलिए मेरे प्रिय बच्चों मैं तुम सबको आदम और हवा की जो चरित्र कहानी है या जो चरित्र कथा है उसके आधार पर मैं तुम सबको याद दिलाना चाहता हूँ बेटा उनके सामने जीवन का वृक्ष था मृत्यु का वृक्ष था जीवन के वृक्ष की उन्होंने उपेक्षा की मृत्यु के वृक्ष को ग्रहण किया तुम्हारे सामने भी इसी तरह से दो ही चॉइस है जीवन और मृत्यु तुम इसमें से क्या चुनोगे बेटा ये मैं आज तुमसे पूछना चाहता फिलहाल माँ बाप को छोड़ो शास्त्री अंकल डायरेक्टली तुमसे पूछना चाहते हैं तुम जीवन के वृक्ष को चुनोगे या मृत्यु के तुम में से सभी बच्चे कहेंगे कि शास्त्री अंकल हम तो जीवन के वृक्ष को चुनेंगे यदि ऐसा है मतलब तुम ईमानदारी से ये बात कह रहे हो तो आज क्लोजिंग में शास्त्री अंकल तुमसे एक बात कहना चाहते हैं सब बेकार की बातें छोड़ दो मृत्यु के रास्ते को छोड़ दो मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो ऐसे दोस्तों की संगति करो जो तुम्हारे मन में सदाचार की भावना भर सकते हैं ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी मदद करेंगे प्रभु के वचन को पढ़ने का जो समय है वो माँ बाप के बोले बिना ही तुम पढ़ना शुरू कर दो प्रभु के वचन से पदों को याद करना शुरू कर दो प्रभु के वचन की चरित्र कथाओं को जब पढ़ते हो तब उन चरित्र कथाओं में जो पाठ है उसको समझने की कोशिश करो तुमको बताना तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी है लेकिन तुमको कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक रहा है तुम भी कोशिश करोगे तो तुमको अतिरिक्त बातें समझ में आएंगी ठीक है अब मैं जरा तुम्हारे माँ बाप से चार शब्द बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों आखिरी स्टेज में मैंने बच्चों से डायरेक्टली आदम और हवा की कथा के आधार पर कुछ बातें बताई थी इस तरह से आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को आदम और हवा की चरित्र कथा के आधार पर इस तरह की नैतिक शिक्षाएं दी हैं इस मामले में हमसे बहुत गलती हुई है बहुत गलती है और हम में से कुछ लोग ऐसे उल्लू के पट्टे हैं कि प्रभु के वचन से जिस तरह से बोलना नहीं चाहिए इस तरह से खिल्ली उड़ाने वाले वचन बोलते हैं इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं नूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब जल प्रलय के बाद जब नूह की कहानी आती है तब उस कहानी में चरित्र कथा में हम देखते हैं कि नूह दाखरस पीकर अपने तंबू में नंगा हो गया जब प्रभु के वचन से यह कहानी पढ़ी जाती है तो मैं अक्सर देखता हूं कि घरों में बैठे माँ बाप खी खी खीखी खी करके उल्लू के पटो के समान हंसते हैं अरे यदि हंसना ही है तो प्रभु का वचन क्यों पढ़ रहे हो किसी चुटकुले की पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते प्रभु के वचन में ये बात जो रेखांकित की गई है पहले उसका उद्देश्य समझने की कोशिश करो और उसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी धर्मी हो नूह के बारे में कहा गया था कि अपनी सारी पीढ़ी में वो सबसे धर्मी व्यक्ति था लेकिन वही धर्मी व्यक्ति जब नशा करने के कारण जान के किया या अनजा ने किया ये प्रभु का वचन नहीं कहता है क्योंकि चाहे जान के नशा करें या अनजाने नशा करें दोनों का फल एक ही है नशे के कारण वो उस तंबू में नंगा हो गया इसके आधार पर इस बात को समझिए पहले कि विश्वासी के जीवन में जो नहीं होना चाहिए वो जानकर करे या अनजाने करे उसका फाइनल रिजल्ट यह है कि अनहोनी हो जाती है इस बात को समझकर अपने बच्चों के सामने नालायकों के समान खी से निपोरते हुए खी 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 करने के बदले बच्चे को समझाइए बेटा नूह एक महान पिता मां हुए थे और प्रभु का वचन बताता है कि नूह धर्मी थे लेकिन इवन उनके जीवन में जब गलती आ गई तो उनकी नग्नता प्रगट हो गई और प्रभु का वचन नग्नता के विरुद्ध बोलता है और इसलिए बेटा तुम्हारे जीवन में इसके आधार पर तुमको ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी विश्वासी को ऐसे कामों में नहीं पढ़ना चाहिए जो जाने या अनजाने तुम्हारी नग्नता को दूसरों के सामने रख सके उसके बाद बच्चे को समझाइए कि नग्नता के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं जैसे पढ़ाई लिखाई की उपेक्षा कर दी कल को फेल हो गए ये भी एक प्रकार की ही नग्नता है कि कल तक जो अच्छे नंबर ला रहा था आज सबके सामने जो है सिद्ध हो गया कि यह भी जो है लापरवाही के कारण इस तरह से फल काट सकता है बच्चे को पूरी गंभीरता के साथ समझाइए कि बेटा इस कहानी को प्रभु के वचन में पवित्र आत्मा ने इसलिए रखा है कि दुनिया में सबसे धर्मी व्यक्ति से यदि जाने या अनजाने गलती हो सकती है तो बेटा मैं और तुम कुछ भी नहीं है नूह के सामने कुछ भी नहीं है हम भी इस तरह की गलती कर सकते हैं इस बात को एडवांस में हमको समझाने के लिए प्रभु के वचन में ये चरित्र कथा रखी गई है ये है नूह की कहानी सुनाने का सही तरीका मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है जब ऐसे अवसर कई बार आ जाते हैं जब विश्वासियों के बीच में नू की कथा पढ़ी जा रही है और लोग खी खी करते हुए जो है वो हंसते हैं मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु के वचन में ये इस घटना का वर्णन क्यों किया गया है ऐसे लोगों को जो 40, 40, 40, 50, 60, 70 के हो गए हैं और इस तरह से प्रश्न पूछते हैं उनको संडे स्कूल की पहली क्लास में वापस भेज देना चाहिए विश्वासियों में इतनी तो बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए कि ये क्यों रखा गया है चरित्र कथाएं क्यों रखी गई हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों इसके साथ साथ चरित्र कथाओं के बारे में मैंने जो आपके सामने जो पाठ रखे थे वे समाप्त होते हैं प्रभु के वचन की चरित्र कथाओं में बहुत ही ज्यादा गहराइयां छुपी हुई हैं पहले आप प्रभु के वचन और एक डायरी और एक पेन के साथ बैठकर पवित्र आत्मा पर ध्यान लगाकर ध्यान और मनन के साथ इन गहराइयों को ग्रहण कीजिए और ग्रहण करने के बाद बच्चों को उनके लेवल पर समझाइए पांच साल के बच्चे का लेवल अलग होता है पंद्रह साल के बच्चे का अलग होता है पच्चीस साल के बच्चे का लेवल अलग होता है हर लेवल के बच्चे से उसके लेवल पर बात कीजिए और उसके लेवल पर इन बातों को समझाइए तो इसके साथ साथ चरित्र कथाओं का जो महत्व है वो पाठ खत्म होता है मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि ये जो पांच क्लास मैंने चरित्र कथाओं पर लिया था इसके आधार पर आप में से हर व्यक्ति आज से प्रभु के वचन की चरित्र कथाओं को एक नए तरीके से अध्ययन करना शुरू करेगा और पवित्र आत्मा जो प्रकाश देते हैं उसको नोट करना शुरू करेंगे जिससे कि आप न केवल बच्चों को बड़ों को भी सिखा सके बड़ों को कहाँ सिखा सके मैं पिछले पांच हफ्ते से क्या कर रहा हूं पांच हफ्ते से मैं आपको सिखा रहा इसी तरह से आप बच्चों बड़ों को सिखा सकेंगे इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमला को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है जय मसीह की